हर तरफ पानी से घिरा हुआ। मैं आई हूँ तमिलनाडु के एक ऐसे मंदिर में जो बनाया गया था 8th century में और पिछले 35 सालों से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है। कई सालों तक समुद्र में छुपा हुआ, एक दिन अचानक उभर कर आया। वेलकम टू द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरती है दैट नो मैटर मैं जहाँ जाऊँ, ऑल आई हैव टू से इज दैट आई लव माय इंडिया। तो वैसे इस मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट शोर टेम्पल के लिए आपको 2 घंटे का रास्ता पूरा करना होगा फ्रॉम चेन्नई। पर अगर इसी तरह खाते पीते जाओ, गाने सुनते जाओ, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी बात यह है कि रास्ते के दोनों तरफ पानी है, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है द ग्रेट सॉल्ट लेक। कहा जाता है महाबलीपुरम एक पॉपुलर ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था बैक इन द डे ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी। It acted as a significant landmark for the navigation of ships. Shore temple की ओर बढ़ते हुए, there's a shopping market along the streets. और आप वहाँ से seashell jewelry, showpieces, leather footwear और काफी कुछ खरीद सकते हैं, and that too at a reasonable price. कितने का देंगे बताइए? मैं अपनी पूरी curly tails team के लिए लेकर जाऊँगी। हाल ही में शोर टेम्पल का काफी ब्यूटिफिकेशन हुआ है, एंड एज यू कैन सी देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन एट द एंट्रेंस। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू सी एज सून एज यू सी द शोर टेम्पल इज अ प्रकरा, व्हिच इज अ लो वॉल जिस पर नंदीज दिखेंगे आपको बैठे हुए इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे। और कहते हैं दूर से शोर टेम्पल बिल्कुल रथ की तरह लगता है। इस मंदिर को कई खूबसूरत पत्थरों और ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है। इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द ड्रेविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। वेल, 7 पगोडा, ये नाम इंडिकेट करता है कि यहाँ 7 मंदिर हुआ करते थे, पर आज सिर्फ शोर टेम्पल ही बचा है हमें हमारे इतिहास की कहानी बताने के लिए। 2004 की सुनामी में जब ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, कोई कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। तमिलनाडु के सबसे पुराने स्ट्रक्चर में अंदर कोई मूर्ति नहीं है, सो दुनिया भर से जो लोग आते हैं किसी को पूजने के लिए नहीं, बट कुदरत के करिश्मे को देखने के लिए। This temple has been classified as UNESCO World Heritage Site since 1984. In fact, एक वक्त पर इस मंदिर का नाम जलशयाना भी रखा गया था, which means lying in the water, mainly because it is situated at the sea level. Archaeology Survey of India ने एक protective wall बनाई हुई है around this temple ताकि इस marvelous site की उम्र बढ़ सके और ये हमेशा safe और sound रहे। Look at this temple, which is more than 1,000 years old, still standing tall and strong. As the shore temple overlooks the Bay of Bengal, temple के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। आप वहाँ शॉपिंग या हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और यू कैन जस्ट एंजॉय ड्रिंकिंग फ्रेश कोकोनट वाटर और चिल ऑन द बीच। तो आप भी यहाँ आइए टू शोर टेम्पल इन तमिलनाडु with your family and witness this beautiful structure that our Archaeological Survey of India is trying to preserve and keep it safe and is making all the effort to preserve this gorgeous temple. I hope aapko mere saath ghoomne mein maza aaya. Till then, remember to like, share and subscribe to Curly Tales.